हे फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं इडली बर्गर। आपने नॉर्मल इडलीज बहुत खाई होंगी, तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे जो न्यू व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आप मेरी आने वाली वीडियोज़ को देख सकें। इडली बर्गर बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी सूजी, 3 मीडियम साइज उबले हुए आलू, मूँगफली का तेल, छाछ, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच मिर्ची, आधा चौथाई चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच हरी धनिया पाउडर, 3 कटी हुई मिर्च, चाट मसाला, राई, इनो और लास्ट में हरा कटा हुआ धनिया। पहले हम इडली बनाने के लिए उसका घोल तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सूजी ले ली है, 1 चम्मच नमक और इसे हम छाछ से घोल लेंगे। आप चाहें तो इसमें दही का भी यूज़ कर सकते हैं, और मोस्टली इसमें खट्टा दही या छाछ का यूज़ होता है, तो इडली बहुत टेस्टी बनती है। इसे अच्छे से फेंट लेंगे। हमें इसे ना तो ज़्यादा पतला फेंटना है और ना ज़्यादा मोटा, और इसे अच्छे से ऐसे मिक्स करना है। देखिए, हमें इसका जो थिकनेस है वो उतनी ही रखनी है, और अब हम इसे रेस्ट पे रख देंगे 25 से 30 मिनट के लिए, जिससे इसमें जो सूजी है वो थोड़ी फूल जाए और हमारी इडलियाँ फूली भी बने। जब तक हमारा सूजी का घोल रेस्ट पर है, तब तक हम मसाला बना लेते हैं बर्गर के लिए। मसाला बनाने के लिए हमने ऑलरेडी गैस पर पैन चढ़ा दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल और इसे गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी राई और फिर हम डालेंगे उबले हुए आलू और इसको फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। पहले डालेंगे मिर्ची, मिर्ची को भी आलूओं के साथ फ्राई होने देंगे। अब डालेंगे मसाले, नमक, मिर्ची आधा चम्मच, चाट मसाला, अमचूर पाउडर और धनिया। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस मसाले इसमें मिक्स हो जाएं, इतना ही हमें इस मसाले को फ्राई करना है। देखिए, हमारा ये मसाला बिल्कुल तैयार है आलू का, तो इसे हम साइड में रख देते हैं और इडलियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा इडली का जो घोल है वो बिल्कुल तैयार हो गया है, और देखिए सूजी फूल भी गई है। अब हम इसमें डालते हैं आधा पैकेट इनो। इनो डालने के बाद इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। देखिए, हमारा घोल बिल्कुल रेडी है, ना ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा पतला है। तो चलिए अब इडलियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमने लिए कटोरी इडली बनाने के लिए। इडली स्टैंड से जो इडली बनती है वो छोटी बनती है, क्योंकि हम बर्गर बना रहे हैं तो हमें बर्गर के साइज़ की ही कटोरी लेनी होगी।
तो अब हम इसमें डालेंगे तेल और उसको अच्छे से चारों तरफ लगा देंगे, जिससे जब इडली बने तो वो बाहर निकल जाए, और इसके साइड में भी तेल लगा देंगे। अच्छे से हमने इसको तेल को चारों तरफ लगा दिया है। अब इसमें हम भरेंगे इडली का घोल। मैंने इसको आधी कटोरी तक भरा है, जिससे जो इसकी थिकनेस है पफी बने, ये जैसे कि बर्गर होता है, तो इतना हमें इसे भरना है। देखिए, हमने इडली पॉट चढ़ा दिया है और उसमें पानी भर के उसे ऑलमोस्ट उबाल भी लिया है। चाहे तो आप कुकर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग कुकर में भी इडली बनाते हैं इडली स्टैंड का यूज़ करके, बट मैंने यहाँ पे पॉट का यूज़ किया है। ये मैंने यहाँ पे स्टैंड लगाया और इस कटोरी को बीच में ऐसे रख दिया। अब हम इसे ढक देंगे। फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम देख लेते हैं हमारी इडली बन गई या नहीं। देखिए, इडली फूल चुकी है और अब हम इसे निकाल लेते हैं। हमारी इडली अब तैयार हो चुकी है, अब हम इसे थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे निकालेंगे। इसे हमने 5-10 मिनट ठंडा होने के लिए रख दिया था, अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं इडली को। ये देखिए, इडली निकल गई। देखिए कितना अच्छा शेप आया है, ये देखिए बिल्कुल बर्गर जैसा शेप आया है इसका। अब हम इसे अच्छे से काट लेते हैं। हमने इसे दो भागों में काट दिया है बर्गर की तरह। अब हम इसमें आलू की फिलिंग कर लेते हैं, जो आलू का मसाला हमने तैयार किया था। फिलिंग करते वक्त आप ध्यान रखिएगा कि अच्छे से इसको फिल कर लें चारों तरफ, जिससे इसका अच्छा टेस्ट आ सके। और इसको हम इसके ऊपर ऐसे रख दें। देखिए, हमारा बर्गर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसे सेकते हैं। हमने तवा चढ़ा दिया है गैस पर, उसे गर्म होने भी रख दिया था। अब इसमें तेल डाल देते हैं। चाहे तो आप इसमें राई के दाने भी डाल सकते हैं, मैं राई नहीं डाल रही, मैं इसको सिंपल ही फ्राई करूंगी। अच्छे से इसको सिकने देंगे। तो एक बार हम पलट के देख लेते हैं और इसको अच्छे से हमें ऐसे, अभी इसे हमें ऊपर से और सेकना होगा। अभी ये हाफ सिखा है, अभी और सीखेंगे हमें, जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। हमारा बर्गर कितना क्रिस्पी सिख रहा है, और हमने दोनों तरफ से इसको अच्छे से सेक दिया है। देखिए, हमने दूसरा बर्गर भी तैयार कर लिया है, अब हम दोनों बर्गर सर्व करते हैं। हमारे इडली बर्गर बिल्कुल तैयार है, बहुत क्रिस्पी है, और आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। प्लीज़, यदि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक यू एंड बाय बाय।